मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आप गवर्नमेंट को टैक्स किस पे चाहिए, सेल प्राइस पे नहीं चाहिए, किस पे चाहिए, वैल्यू एडिशन पे। आपके जितना एक्सपेंसेस और आप जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। तो मैंने जितना वैल्यू एडिशन किया, मैंने रुई खरीदा उस पर टैक्स लगा ही नहीं, मैंने कहा था जमीन के नीचे से जो भी चीज निकलती है उस पर टैक्स नहीं लगता। मैंने टमाटर खरीदा और सॉस बनाया तो टमाटर के ऊपर तो टैक्स नहीं दिया, तो वो तो जीरो है। और मैंने अगर जीरो टैक्स देकर सॉस 100 रुपए का बना रहा हूं तो गवर्नमेंट कहती है आपका टोटल वैल्यू एडिशन कितना है 100 रुपए का, गवर्नमेंट को 100 रुपए पे 10 रुपए चाहिए, मान लो 10% का रेट है। फिर मैंने इसको बेचा 100 रुपए में, इसने फर्दर 150 रुपए में बेचा, अब गवर्नमेंट को कितने रुपए पे टैक्स चाहिए, 50 रुपए पे चाहिए। तो जो वैल्यू एडिशन करेगा, जितना वैल्यू एडिशन करेगा गवर्नमेंट को उसके ऊपर टैक्स चाहिए। अब ये टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। पहला तरीका कौन सा है, एडिशन मेथड। अब एडिशन मेथड क्या है, सबसे पहले तीनों मेथड में, एडिशन मेथड हो, सब्ट्रैक्शन मेथड हो या इनवॉइस मेथड हो, तीनों मेथड में हमें गवर्नमेंट को टैक्स किस पे चाहिए, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन पे टैक्स निकालने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो ये पहला तरीका है निकालने का। और ये तरीका क्या है, बोलता है वैल्यू एडिशन होता क्या, एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट। और एक्सपेंसेस मतलब सभी तरह के एक्सपेंसेस, चाहे वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हो इंटरेस्ट वाला, या सैलरी का हो, वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, पावर हो, या स्टेशनरी हो, लोडिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, अनलोडिंग चार्ज हो, वेयर हाउस रेंट हो, शॉप रेंट हो, मतलब सारे खर्चे जोड़ने के बाद और उसमें प्रॉफिट जोड़ने के बाद। एग्जाम्पल में लिख दिया, मान लो 7 लाख आया, तो वैल्यू एडिशन कितना है, सारे एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट, यहां प्रॉफिट लिखना भूल गया मैं, सात लाख आया, उसका 10% गवर्नमेंट को कितना टैक्स चाहिए, 70,000। ठीक है, इस मेथड में आप कितने रुपए का गुड्स खरीद रहे हैं इसको इग्नोर कर दीजिए। तो एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं कोई राशन की शॉप चलाता हूं, उसमें मैं बहुत सारे गुड्स खरीदूंगा और उसके बाद उसको बेचूंगा, बोला खरीदने का प्राइस और बेचने का प्राइस दोनों इग्नोर करो, लेकिन क्या जोड़ो, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे परचेसेस भी होगा, बोलो इसको इग्नोर करो, सेल प्राइस भी होगा, बोलता इसको भी इग्नोर करो, खाली खर्चे जोड़ो, प्रॉफिट जोड़ो और टैक्स लगा दो। क्या ये मेथड किसी भी वर्ल्ड के कंट्री में ये इंप्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये इम्प्रैक्टिकल, ये मेथड इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता। कारण क्या है, मान लो मैं राशन की शॉप चला रहा हूं और आप 1 अप्रैल को आ गए मेरे पास, बोला एक कोलगेट देना, ब्रिजमोहन आ गया, मान लो पिछले 10 साल से मेरे से ही कोलगेट खरीद रहा है और हमेशा 1 अप्रैल को ही आता है, 1 अप्रैल को फिर आ गया, बोला कोलगेट दो, और यही वाला मेथड मान लो चलता है, हाँ साल भर में सिर्फ एक ही बार आता है, लेकिन कहानी तो समझो यार, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो, कहानी समझिए। तो 1 अप्रैल को आया, बोला कोलगेट दो, हम बोले यार कोलगेट तुम्हें दे तो बेच तो दूंगा, लेकिन इस कोलगेट पे ऊपर मुझे तुमसे कितना टैक्स लेना है ये मुझे आज नहीं पता, क्योंकि मैं तुमसे कौन सा टैक्स लूंगा, इनडायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन इज पास्ट। तुम 1 अप्रैल को आ गए, 31 मार्च तक मेरे सारे खर्चे मुझे अभी पता ही नहीं है कितने होने वाले, तो मैं अभी तुम्हें नहीं बेच सकता, तुम 31 मार्च को आना। तो ये लॉयल था, चला गया। अभी 1 साल बाद फिर आया 31 मार्च को, बोला सर कोलगेट, हम लोग तुम 31 मार्च को आ गया, मैंने तुम्हें बुला भी लिया, लेकिन मुझे वो सारे खर्चे जोड़ने हैं, अभी अकाउंटिंग कर रहा हूं। मैं अकाउंटिंग करूंगा, फिर मैं ये सारे खर्चे को अपोर्शनमेंट करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो हजारों तरह के प्रोडक्ट है, और तुम्हारा कोलगेट जो मैं बेचूंगा वो 1 अप्रैल को खरीदा था या 15 मई को खरीदा था, उसको रखने का कॉस्ट, शॉप रेंट अपोर्शनमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, तो वो सब में टाइम लगता है, अभी कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग चल रही है, वो सब हो जाने दो तब मैं बेचूंगा तुमको। समझ में आ रहा है, क्या एडिशन मेथड इंप्लीमेंट हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा,
कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जब वैल्यू एडेड टैक्स जब इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा था तो सारे ट्रेडर्स हड़ताल पे थे, क्योंकि उनको क्या बोला जा रहा था, वैल्यू एडेड टैक्स आ रहा है, वैल्यू एडेड टैक्स आ रहा है। उनको क्या समझाया जा रहा था, वैल्यू एडेड टैक्स इज एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट, और सारे ट्रेडर्स ऐसे मेथड कैलकुलेट करने के लिए सोच रहे थे जो मैं बोल रहा था। तो उनको समझ में नहीं आया, बोलता इससे अच्छा हड़ताल ही कर देते हैं, सरकार को समझ में आ जाएगा। समझ में क्या हो रहा था। तो ये एडिशनल मेथड। फिर ट्रेडर्स को कुछ लोगों ने समझाया, बोला सर ऐसे नहीं होगा कैलकुलेट, ऐसे होगा सब्ट्रैक्शन मेथड। बोला सब्ट्रैक्शन मेथड क्या है, बोला अब एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट को इग्नोर करो, क्या करो, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, तो वैल्यू एडिशन आ जाएगा। बोला ऐसे कैलकुलेट कर लो। अब 1 अप्रैल को ये फिर आएगा। अच्छा मैं पूरा बता देता हूं, तो सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस वैल्यू एडिशन, इसका टैक्स रेट निकाल दूंगा तो आ जाएगा। तो मैंने अगर 400 रुपए में खरीदा, 900 रुपए में बेचा है, तो वैल्यू एडिशन कितना है, 500 का 10%, 50 कितना हो गया, 950 में मैं इसको बेच दूंगा। समझ में आया, तो मैं इसको कितने में रुपए में बेचूंगा, 950 में। अब देखिए ये मेथड क्या इंप्लीमेंट हो पाएगा। अब कहानी ये है कि ब्रिजमोहन फिर से आया मेरे पास 1 अप्रैल को, बोले कोलगेट दो। तो मैंने इसको क्या कहा कि रुको ढूंढता हूं। तो मेरे पास कोलगेट बहुत सारे पड़े हुए थे, 10 रुपये में खरीदा हुआ पड़ा हुआ था, 20 रुपये वाला में भी खरीदा हुआ, दाम बढ़ता रहता है कम होता रहता है, मुझे स्कीम में भी मिलता है कि कंपनी ने एक स्कीम निकाला 100 कार्टन खरीदोगे तो 1 कार्टन फ्री देंगे, ये टारगेट पूरा कर लोगे तो आपको हांगकांग का टूर देंगे। समझ में आ रहा है। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट है। तो मैंने कहा यार वेट करो, फिर मैंने वो कोलगेट निकाला, फिर इस कोलगेट का मैंने फाइल ढूंढा बैच नंबर के साथ, कितने में मैंने खरीदा था इसको, क्योंकि इनडायरेक्ट ऐसा बटन तो पास करना ही है ना, तो मुझे उसमें टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। और आप ये सोचो, मैं ये हल्दी मांगने आ गया, कोलगेट तो फिर भी मैं ढूंढ लूंगा फाइल में, हल्दी तो खुला है, चीनी गेहूं सब खुला प्रोडक्ट है, मसाला खुला प्रोडक्ट है, मैं कुछ मसाला 10 रुपये में खरीद रहा हूँ, कुछ 15 रुपये में खरीद रहा हूँ, कुछ इंपोर्ट कर रहा हूँ, कुछ महाराष्ट्र से खरीद रहा हूँ, कुछ केरला से खरीद रहा हूँ, कुछ लोकल खरीद रहा हूँ, और सबको कह दिया गोडाउन में जाके भर दो। अब ये हल्दी मांगने आ गया, मैं कौन सा हल्दी निकाल के तुम बताओ इसको, जिसका परचेज प्राइस तो मिक्स्ड है। समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम और कंपाउंड हो जाता है जब मैन्युफैक्चरर, सोचो एक मारुति का डीलर हजारों तरह के वो कंपोनेंट खरीदता है और एक प्रोडक्ट बनाता है, कैसे सब्ट्रैक्शन लगाएगा, हेडलैम्प से मारुति की गाड़ी माइनस करेगा। समझ में आ रहा है। और कंपाउंडिंग हो जाता है प्रॉब्लम जब मैं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट देता हूं कि बिल्डिंग बना देना, वो सीमेंट और गिट्टी बालू लोहा फर्नीचर लेबर का सर्विसेज इतने सारे के और बिल्डिंग बना रहा है, कैसे प्लस माइनस होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब्ट्रैक्शन मेथड मान लो कुछ प्रोडक्ट्स में इंप्लीमेंट भी कर देती है सरकार, और जीएसटी में एक प्रोडक्ट में इंप्लीमेंटेड भी है सेकेंड हैंड गुड्स में, तो अगर ये इंप्लीमेंट भी कर देती है तब प्रॉब्लम एक ही आती है, वो क्या है कि ब्रिजमोहन को जब मैंने बेचा ये बिल बना के दिया, तो ब्रिजमोहन खरीदने से पहले मेरे से निगोशिएट कर रहा था कि 900 में नहीं सर, कम कर दो, इतने साल से आ रहा हूँ, थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा सा कम। हम लोग यार कुछ नहीं कमा रहा हूँ, कुछ नहीं कमा रहा हूँ, तुम इतने साल से आ रहे हो, मैं तुमसे कुछ कमाऊंगा, लॉस में बेच रहा हूँ। इसके बाद इसने मेरा बिल देखा, मैंने बिल क्या बनाया है, 900 रुपया में, और टैक्स कितना लिया, 50 रुपया। टैक्स रेट तो तुमको पता है या नहीं पता है, पता है। तो ये तेज भी था, इसने इसका बैक कैलकुलेशन करता है, ये मैं लिखूंगा नहीं बिल में, लेकिन 10% ऑफ व्हाट इक्वल टू 50 रुपीज, कितना, 500 रुपया। बोला सर 500 रुपया का प्रॉफिट, ये किसी और के पास जाएगा खरीदने के लिए जहां पर प्रॉफिट कम से कम। तो ये
ये एक बहुत मेजर ड्रॉबैक है। तो मैं इसको कहता हूं, मैं ऐसे बिल बना के नहीं दूंगा, मैं बनाऊंगा 900 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। आप करते रहो कैलकुलेट, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है। तो जीएसटी में एक सेकेंड हैंड गुड्स पे ये इंप्लीमेंटेड है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, सरकार नोटिफिकेशंस भी निकाल रही है। तो हम लोग जब जीएसटी क्लास, खैर आपके आईपीसीसी लेवल में वो है भी नहीं, वो सीधे फाइनल लेवल में है। खैर ये हो गया, समझ में आ गया। अब इसमें भी प्रॉब्लम थी, सारे ट्रेडर्स हड़ताल पे थे, वो ये सोच रहे थे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे थे, सॉल्यूशन के बारे में कोई सोच ही नहीं रहता। एक्चुअली में वैल्यू एडेड टैक्स का जो सिस्टम था वो ये था, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस वैल्यू एडिशन है, इसी पे टैक्स रेट है, इस ब्रैकेट को ही खोल दो। तो टैक्स रेट इंटू सेल प्राइस, टैक्स रेट इंटू परचेज प्राइस, या आउटपुट टैक्स हो गया या इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, टैक्स को टैक्स के साथ माइनस कर रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यहां पर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट माइनस हो रहा है, पहले प्रोडक्ट का परचेज प्राइस, प्रोडक्ट का सेल प्राइस माइनस करके फिर टैक्स रेट निकालो। यहां पर क्या हो रहा है, बोला सेल प्राइस परचेज प्राइस सब इग्नोर कर दो, कितने में खरीदा जानने की जरूरत नहीं है, कितने में बेचा जानने की जरूरत नहीं है। आपके पास फाइल है परचेज की, उसका अकाउंटिंग एंट्री करते हो, अकाउंटिंग एंट्री में टैक्स का भी एक अलग से जर्नल एंट्री करो, टैक्स को पूरा जोड़ो, फिर सेल प्राइस का आउटपुट टैक्स का पूरा जोड़ो और टैक्स को टैक्स के साथ माइनस कर दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप सोच के देखिए, मैन्युफैक्चरर जो मटेरियल्स तरह तरह का खरीदता है, जिसके ऊपर 0% भी टैक्स होगा, 5% भी होगा, 12, 18, 28 सेस के साथ, क्या फर्क पड़ता है, उससे वो कुछ भी बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह वो कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में सोचो, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर जो सबसे कॉम्प्लेक्स है टैक्स कैलकुलेट करना, जहां पर वो आर्किटेक्ट की सर्विसेज ले रहा है, इंटीरियर डिजाइनर की सर्विसेज ले रहा है, कई तरह के लेबर, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर की सर्विसेज ले रहा है, और ये प्रोजेक्ट डिजाइनिंग की सर्विसेज ले रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो जमीन का डेवलपमेंट कर रहा है उसका सर्विसेज ले रहा है, मटेरियल तरह तरह के वो खरीद रहा है और एक बिल्डिंग बना रहा है। तो इसके लिए भी तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, सारे मटेरियल का टैक्स और सारे सर्विसेज का टैक्स एक साथ जोड़ दो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, बिल्डिंग बेचने में जो आपने टैक्स लिया वो आउटपुट टैक्स होगा, आउटपुट टैक्स को किसके साथ माइनस करोगे, इनपुट टैक्स के साथ, सरकार को जमा करवा दो। सरकार थोड़ी पूछेगी कि ये इतने में खरीद के इतने में क्यों बेचा, ये तो मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करेगा आप कितने में खरीदते हैं और कितने में बेचते हैं। अगर आप कम दाम में बेचेंगे तो सरकार को भी नुकसान है, आप ज्यादा दाम में बेचेंगे तो सरकार को भी फायदा, फ्लेक्सिबल है ये। आया तो ये कहानी है। तो मैन्युफैक्चरर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, ट्रेडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स तरह तरह के गुड्स और सर्विसेज खरीदेंगे और तरह तरह के गुड्स और सर्विसेज बेचेंगे, चाहे वो सिस्टम कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, टैक्स को टैक्स के साथ माइनस करना है। आया, लिख लीजिए। चलिए देखिए, समझिए ये क्या है। मान लो एक ट्रेडर है जो हल्दी, कोलगेट और चेयर खरीद के बेचता है। हल्दी उसने 1,00,000 रुपया खरीदा, 10% टैक्स, 2,00,000, 10% टैक्स, 1,50,000, 10% टैक्स, क्योंकि ये खरीदा है, इसके ऊपर जो टैक्स है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, कितना, 45,000। अब ये क्या कर रहा है, चेयर इसका बिका नहीं, 2,00,000 का कोलगेट वो 20,000 के नुकसान में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 1,80,000, और टैक्स कितना, 18,000, और चेयर जो 1,50,000 का खरीदा था वो 3,00,000 रुपए में बेच रहा है, टैक्स कितना, 30,000, तो आउटपुट टैक्स 48,000। तो उसको जो टैक्स देना है वो कितना देना है, 3,000 देना, कितना देना है, 3,000। इसका अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट कितना है, इसका कैश आउटफ्लो कितना है, कैश आउटफ्लो ये पूरा 2, 3, 4, 4.5 लाख, टैक्स के रूप में ये भी गया होगा, तो टोटल कैश आउटफ्लो कितना है, 4,95,000, और कैश इनफ्लो कितना है, 480 + 48, 8, 4, 12 और 1, 5, 28, तो
5,28,000 माइनस कर दो, कितना आ रहा है ये? 8 × 5 = 3, 12 × 9 = 3, 33,000 का ये फायदा ले रहा है ना। तो ये मैंने सिर्फ ऐसे ही आपको बताया है कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब एक बात सोच के देखो, कोल चेयर हल्दी बिका नहीं, उसके बावजूद गवर्नमेंट आपको इस 10,000 रुपए का क्रेडिट दे रही है जो इसके आउटपुट टैक्स के साथ एडजस्ट हो पा रहा है। अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन मेथड लगाते तो हल्दी बिका ही नहीं, माइनस होता नहीं इसके साथ। लेकिन सब्ट्रैक्शन मेथड नहीं है, कौन सा मेथड है? इनवॉइस मेथड। टैक्स को टैक्स के साथ माइनस करते हैं। ये 20,000 है और ये लॉस में बिका है। गवर्नमेंट का आउटपुट टैक्स कितना है? यानी कि गवर्नमेंट आपसे 18,000 ले रही है और 20,000 वापस कर रही है। हेलो, समझ में आया? गवर्नमेंट को 20,000 ऑलरेडी मिल चुका, अब गवर्नमेंट आपको प्रॉमिस कर रही है हम आपको 20,000 या तो वापस करेंगे या एडजस्ट करेंगे, है ना। लेकिन क्रेडिट मेथड में पूरा का पूरा 20,000 एडजस्ट हो रहा है, वापस तो होता ही नहीं है। 20,000 एडजस्ट हो रहा है या नहीं है? ये अगर 25,000 होता तो गवर्नमेंट को 5,000 तो मिलता ही ना इसमें। लेकिन टैक्स को टैक्स के साथ माइनस कर रहे हैं, गवर्नमेंट ये 2,000 रुपए का नुकसान सह रही है। गवर्नमेंट का खजाना जो 20,000 था गवर्नमेंट के खजाने में, वो 2,000 से और कम हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा 20,000 इसके साथ एडजस्ट हो रहा है। तो वैट इज फ्लेक्सिबल कि अगर दाम कम होता है तो गवर्नमेंट को भी नुकसान होगा। इकॉनमी अगर डिप्रेशन में जाती है, इकॉनमी का ग्रोथ नहीं होता तो गवर्नमेंट को नुकसान होगा। समझ में आया? चेयर के बारे में सोचो, 1.5 लाख का चेयर कितने में बिक रहा है? 3 लाख में। प्रॉफिट में बिक रहा है, गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट हुआ 30,000। लेकिन ये सारा एडजस्ट हो पा रहा है या नहीं हो रहा है? सब्ट्रैक्शन मेथड होता तो नहीं हो पाता, एडिशन मेथड अप्लाई ही नहीं हो सकता था। आया, हो गया।